चलो देखते हैं कि कौन पहले जाएगा। रॉक पेपर सीजर। मैं जीती, इसका मतलब मैं अपनी ट्रीट्स को पहले खाऊंगी। वाह, ओरियोस, मुझे ये बहुत पसंद है। सभी को ओरियोस बहुत पसंद होते हैं, खास करके इसका क्रीम। यह चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि ओरियो खुद भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, लेकिन यह सफेद परत है जो कुकीज का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तुम क्या कर रही हो? यह बहुत ही मोटा ओरियो है। मुझे यही चाहिए था। सोचो यह कितना स्वादिष्ट हो जाएगा जब मैं इसे चॉकलेट में डुबाऊंगी। वाह, तुमने कितनी जल्दी इसे खा लिया। देरी क्यों, अब ढक्कन खोलने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार। अरे नहीं, वहाँ कुछ रेंग रहा है। अजीब, मुझे जादू की छड़ी की आवश्यकता क्यों है? मैं जादूगर नहीं हूँ। ये तुमने क्या किया? मेरे बाल वापस लाओ जल्दी। रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। हालांकि ये बाल तुम्हें सूट कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे, मुझे अपने बाल चाहिए। यह क्या है? लो, अब हो गया। अब उम्मीद है छड़ी मुझे कुछ स्वादिष्ट बनाने में मदद करेगी। ओ, तिलचट्टा। अगर यह छड़ी नहीं होता तो मुझे डर लगता, लेकिन जादुई छड़ी की वजह से मुझे पता है कि यह कॉकरोच अब चॉकलेट का बन गया है, इसलिए इसे मैं खुशी खुशी खा सकता हूँ। क्या तुम्हारे टी शर्ट पर जो कॉकरोच है वह भी चॉकलेट का है? पता नहीं, यह तो असली है। इस बार मैं पहले ढक्कन उठाऊंगा। वाह, लॉलीपॉप। अरे, उसके अंदर एक गंदी मिर्च है। शायद इस बार भी मोनिका को ही पहले शुरू करना चाहिए। हाँ, वाह, मेरे पास किसी प्रकार की सिरिंज है और अंदर कुछ रंगीन है और मुझे आशा है यह स्वादिष्ट होगा। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। इस जेली को अब केवल चॉकलेट के साथ मिलाना है। शायद इसे प्लेट पर करना बेहतर होगा। वाह, तुम्हारा स्लाइम कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह स्लाइम बिल्कुल भी नहीं है, यह जेली है। वैसे बहुत स्वादिष्ट, और चॉकलेट के साथ ये और भी स्वादिष्ट और सुंदर हो जाएगा। वाह, सुंदर और स्वादिष्ट। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बधाई हो मोनिका। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? मेरा लगभग हो गया है तो अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे अब खाना होगा। शायद यह लॉलीपॉप असल में स्वादिष्ट हो। मैं सही था, यह स्वादिष्ट है। अगर इसमें थोड़ा चॉकलेट डालते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। यह लाजवाब है। यह स्वादिष्ट है, तुम्हें तीखा नहीं लग रहा है? नहीं, यह ठीक है, यह आसान है। ओह, ओह, कितना तीखा। जैक, मैं तुम्हें अभी बचाऊंगी। ओह,
बिना मैं निश्चित रूप से जल जाता। मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मुझे जानना है कि इस बार मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है। वाह, मुझे एक आईफोन मिला है और इसमें पॉपिट कवर भी है। वाह, आशा है कि मुझे भी कुछ उतना ही बढ़िया मिलेगा। ओ नहीं, कितना भयानक। मुझे समुद्री जीवों से नफरत है, खासकर ऑक्टोपस से। जरा देखो यह कितना गंदा दिख रहा है। मुझे आशा है कि कम से कम चॉकलेट इस गंदगी का स्वाद बदल देगी। खाना खाओ। तुम्हारी वजह से मैं टिकटॉक पर फेमस हो जाऊंगी। धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो? मेरे मुंह में टेंटिकल्स निकल रहे हैं। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? मुझे फेमस होने दो। क्या ऑक्टोपस स्वादिष्ट है? नहीं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं, यह सिर्फ भयानक है। मोनिका, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने फोन को चॉकलेट में डुबोना है? हाँ, माफ करना, मैं भूल गई थी। अलविदा मेरा नया आईफोन, तुम मेरे सच्चे दोस्त थे। अरे, लगता है कि आईफोन को भी तुमसे प्यार हो गया था। Awesome! सेब, ये स्वादिष्ट और स्वस्थ है। Yeah! प्याज, यह स्वादिष्ट नहीं है, हालांकि यह पौष्टिक है। छी। अलग अलग टॉपिंग से सेब को और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, यदि इसे चॉकलेट में डुबाएं और फिर रंगीन स्प्रिकल्स में। तो एक साधारण सेब बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा। यह शानदार लग रहा है। अब इसमें स्प्रिंकल्स लगाती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। कैसा है, स्वादिष्ट? हाँ, बहुत। मैं खुश हूँ। चॉकलेट के साथ सेब, यह स्वादिष्ट है, लेकिन इससे भी अधिक स्वादिष्ट टॉपिंग। यह बहुत खूबसूरत है। ओ, वो तुम्हारे होठों पे लग गए हैं। अब तुम भी सेब की तरह दिख रही हो। यह कोई मजाक की बात नहीं है। अब मैं और भी मीठी हो गई हूँ। और तुम हंसो मत, तुम्हें तो अब प्याज खाने होंगे। ओ हाँ, वो गंदा प्याज मेरा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही आइडिया। मोनिका ने उन टॉपिंग्स की इतनी प्रशंसा की तो यह वाकई में बहुत स्वादिष्ट होंगे। मुझे आशा है कि वे मुझे प्याज के स्वाद से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्याज के स्वाद को कुछ भी नहीं दबा सकता। आओ पता लगाते हैं। शायद तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। यह बहुत खराब है। नहीं, कितनी बदबू आ रही है। तो मैं सही थी। मेरे मुंह में कूड़ेदान जैसी बदबू आ रही है। तत्काल कुछ करने की जरूरत है। कम से कम चॉकलेट से थोड़ा ठीक हो जाए। हाँ जैक, आज तुम्हारी किस्मत खराब है।
और अब तुम्हारे पास एक चॉकलेट दाढ़ी भी है। तो क्या मुख्य बात यह है कि अब गंदा प्याज नहीं खाना पड़ेगा। वाओ, यस। ओ, स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें या डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद, आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है। और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है, अंडे। खैर, उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ, वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जेन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बर्ड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? Yeah. मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जेन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वह वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जेन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम दो मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वह चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी दो मार्शमेलोस कहाँ गए। छी। क्या
क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। यह शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। वाह, जेन को इसे काटने से पहले दो बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्फोट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है, और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने यह कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सुशी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जेन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपने व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। वाओ, चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप से अपनी नजर एक सेकंड के लिए हटाई और जेन उस पर एक पल में टूट पड़ी, और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी, और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं, जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी, सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए।
यह एकदम जादुई होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है।